के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों की बैठक। लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। मतदान कर्मियों बीमारी दिव्यांगता दुर्घटना से संबंधित प्रार्थना पत्रों पर विचार करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी ने 4 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का किया गठन। शिकायत मिलने पर नवीन गल्ला मंडी में नगर मजिस्ट्रेट और नगर निगम के संयुक्त टीम ने की छापेमारी। लगभग लाखों रुपये के प्रतिबंधित पॉलिथीन और थर्माकोल के बर्तन किए जब्त, वसूला जुर्माना। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए मास्टर ट्रेनर एवं जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिया गया ट्रेनिंग। CDO ने कहा, स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं चुनाव, करें अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन। 10 अप्रैल को विश्वास कार्यक्रम के तहत होगा मेगा मार्क एक्सरसाइज, परखी जाएगी विभिन्न विभागों की तैयारियां। खोराबार थाना क्षेत्र के न्यू फुलवरिया कॉलोनी में बंद मकान में चोरों ने किया हाथ साफ, लाखों के सामान लेकर हुए चंपन। SSP ने कहा, जल्द होगा घटना का खुलासा। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत जिला चिकित्सालय से निकाली गई रैली को CMO ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मौसम के बदलते रुख को देखते हुए SSP ने किया अपने कार्यालय के विभिन्न पटल का निरीक्षण, कहा आगंतुकों के सुविधाओं पर दिया जाएगा विशेष ध्यान। भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय पर भारत का बेटा हूं मैं हूं चौकीदार के नाम का किया लोकार्पण। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने गायकों को किया सम्मानित। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित हुई संगोष्ठी का, लोकसभा चुनाव में युवाओं की भूमिका पर हर बूथ के ऊपर यूथ मिशन विजय का दिया है नारा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 11 से 13 मई तक गोरखपुर जनपद में होने वाले महागठबंधन के रैली स्थलों के NOC के लिए सपा के प्रतिनिधि मंडल ने ADM सिटी से की मुलाकात, मांगी परमिशन और NOC। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के नई कार्यकारिणी का चुनाव 26 को शुरू ही नामांकन प्रक्रिया। एल्डर्स कमेटी के सदस्य ने कहा, मतदान के दिन ही होगी मतगणना। और चैत्र नवरात्रि त्योहार पर फलों का भाव छू रहे हैं आसमान। ग्राहकों ने कहा, आम लोगों और नवरात्रि व्रत धारियों के लिए फल खरीदना हुआ मुश्किल।